जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 14 जून को है योगिनी एकादशी का व्रत। इस दिन हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद उनसे ले सकते हैं। तो क्या हैं वो उपाय, किस तरह से करने हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ के बाद 7 तेज पत्ते घर में जलाएं और इसके धुएं को पूरे घर में फैला दें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होगा और नकारात्मकता घर से निकल जाएगी। दूसरा, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक तेज पत्ता अर्पित करें और सुख समृद्धि धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा अवश्य रख लें। उपाय नंबर 3, अगर किसी कारणवश विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। साथ ही जाप पूरा होने के बाद भगवान को सफ़ेद पुष्प भी अर्पित करें। उपाय नंबर 4, अपने करियर की बेहतरी के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम आह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उपाय नंबर 5, अगर घर के किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो योगिनी एकादशी के दिन 7 तेज पत्ता और 1 चम्मच नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के सर पर 7 बार घुमाकर तेज पत्ता और नमक को किसी पेड़ के नीचे रख दें। उपाय नंबर 6, अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए योगिनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उपाय नंबर 7, अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं तो रात में सोने से पहले तकिए के नीचे एक तेज पत्ता रख दें। इस उपाय को करने से बुरे और डरावने सपने नहीं आएंगे। उपाय नंबर 8, योगिनी एकादशी के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। योगिनी एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा होगा। उपाय नंबर 9, अगर आपके जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं और उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा रूखा रहता है तो योगिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्हो विष्णु प्रचोदयात। ये भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। उपाय नंबर 10, विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन तेज पत्ते पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिखकर भगवान के सामने रख दें।
इस उपाय को करने से भगवान विष्णु आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे और उसको अवश्य पूरा कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।